उतने प्रेसफुल लेने जैसे है। हम लोग कितने छोटे छोटे चीजों के लिए आज टेंशन ले रहे हैं, किसी को जॉब मिलना, क्या जॉब टेंशन हो सकता है? क्या जॉब टेंशन हो सकता है? नहीं हो सकता। आज के टाइम में भी हम लोग जब देखते हैं, क्योंकि आप लोगों को अपने कैपेसिटीज को बढ़ाना पड़ेगा, अपने कैपेसिटीज को बढ़ाना पड़ेगा। जॉब ये टेंशन नहीं हो सकता है, या आप जो पढ़ रहे हैं वो भी टेंशन नहीं हो सकता है, तब तक जब तक आप उसे पूरे दिल से नहीं करते हो, पूरे दिल से नहीं करते। तो हमें टेस्ट को क्या करना है, हमें ट्रेस को अपने कमजोरी में नहीं बदलना है। आजकल हम लोग सब देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं अपने ट्रेस को, हम लोग अपने ट्रेस को निगेटिव में ले रहे हैं। अगर दर्द है तो होने दो, दर्द है तो होने दो, मैं अकेला सहूंगा, नहीं बताऊंगा किसी को, क्योंकि जितना दर्द मैं सहूंगा उतना ही मैं ताकतवर हूंगा। जितना आप कमजोर होते जाएंगे दर्द और बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा और बढ़ेगा, टेंशन और बढ़ेगा, और उससे नुकसान किसका होगा, अपना होगा। आजकल लोग जो हम लोग देखते हैं कि फिजिकली फिट नहीं है, वो किसकी वजह से फिजिकली फिट नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट मेंटली फिट। मेंटली फिट नहीं इसलिए क्यों, फिजिकली फिट नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने ट्रेस को अपने एनर्जी में बदलना है। और जब आप वो कब बदल सकते हैं, मेरे प्रॉब्लम क्या है, एक आमिशन की प्रॉब्लम क्या है, बहुत छोटे हैं, कितने बहुत छोटे हैं, लेकिन हम लोग उसको बहुत बड़ा देख कर देखते हैं। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर एक जॉब मिलने के लिए अगर मैं इतना टेंशन ले लूंगा तो मैं जॉब छोड़ने के लिए कितना टेंशन लूंगा। फॉर एग्जाम्पल बताता हूं, इन 2013 की बात है, 2013 में मैं एक ब्रांच मैनेजर था, और उस वक्त जिस वक्त अभी एंगेजमेंट होने के बाद वहां पे वो ब्रांच बंद हो गई, वो ब्रांच बंद हो गई। अभी पहले तो बता दी, समय से बता दिया, ठीक है, अभी जॉब तो चला गया। इन बिटवीन जब शादी को शायद 2 महीने बाकी थे और जॉब चला गया, ठीक है। अब ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, ये तो नॉर्मली सभी के लिए हो सकती है, क्योंकि हम लोग जो देखते हैं कि आप सभी के लिए, आपको हर कोई पूछेगा, तो उस प्रॉब्लम को, उस स्ट्रेस को हमें किस में लेना है, तो उस एनर्जी को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने पावर में। तो उस समय एक चीज समझ में आई कि जॉब जो होता है इट्स नेवर बी परमानेंट। लोग अरे चिकट के पड़े रहते हैं उसी एक ही जगह पे जिंदगी भर, ठीक है, ऐसा लगता है कि वो चला गया तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा जिंदगी में, ऐसा नहीं है। क्यों ना हम लोग इतने ताकतवर बने कि हम लोग हजारों जॉब को अगर बोल देते कि एक दिन में नौकरी में लात लगा दी और फिर दूसरा मिल जाएगा, ये पावर हमें क्रिएट करनी है। ये पावर कब क्रिएट होगी, ये पावर तभी क्रिएट होगी जब तक आप ये सोचोगे कि मैं सिर्फ जॉब करूंगा, मैं कभी जॉब किसी को दे नहीं सकता। जिस दिन आप लोग ये सोचोगे कि नहीं मैं खुद पे तो जॉब लगूंगा ही, लेकिन 10 लोगों को मैं लगाऊंगा, उस दिन देखिए आपके लिए जॉब एक बहुत छोटी चीज लगने लगी, ये छोटी चीज लगने लगी। इसलिए हमेशा हमें समझना है हमारा डिजायर कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब आप पूरे लाइफ के बारे में जब सोचोगे ना तो आपको प्रॉब्लम्स बहुत कम दिखाई देंगे, और जब आप प्रॉब्लम्स को सोचने लगोगे ना तो उसके सामने जिंदगी बहुत छोटी लगने लगेगी, छोटे भी प्रॉब्लम बड़े लगते हैं, छोटे भी प्रॉब्लम बड़े लग रहे हैं। अगर हम लोग देख रहे हैं लोग सुसाइड कर रहे हैं, किसी को स्ट्रेस के बारे में अपने रिलेशन मेंटेन नहीं हो रहे, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि फोकस कहाँ पे है, प्रॉब्लम पे है, फोकस कहाँ पे, प्रॉब्लम पे है,
फोकस ये नहीं है कि हम लोगों ने क्या किया है। बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि किसी को नहीं, माँ बाप ने गाड़ी लेकर बाइक लेकर नहीं दी है। हम खुद कमजोर है क्योंकि हम लोगों ने किसके बारे में सोचा, एक बाइक इंपॉर्टेंट नहीं थी। क्या इंपॉर्टेंट नहीं थी? बाइक इंपॉर्टेंट नहीं थी। बाइक ले भी सकते थे, चाहे वो खुद भी ले सकते थे, माँ बाप भी दे सकते थे, लेकिन हम लोगों ने किसको इंपॉर्टेंट दिया? गाड़ी को इंपॉर्टेंट दिया। यानी कि हम लोग किसके पीछे भाग रहे हैं? चीजों के पीछे भाग रहे हैं। किसके पीछे भाग रहे हैं? चीजों के पीछे। हमें भागना किसके पीछे है? अपने काम के पीछे भागना। अगर आप ट्रेस में रहकर घर पे ही बैठे हो और बोलेंगे कि नहीं मुझे तो बहुत ट्रेस है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, अगर ये सोच लेकर आप घर में बैठे हो तो क्या आप कुछ कर रहे हो? नहीं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। आपको जॉब क्यों चाहिए? जॉब क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे कुछ पैसे कमाने। अगर यही सोचकर अगर हम लोग जॉब करेंगे तो जॉब कभी नहीं कर सकते। मुझे जॉब इसलिए करना है कि मुझे काम करना है और मैं खुद को साबित करना चाहता हूं कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। पैसे तो अपने आप आएंगे। पैसे किससे आते हैं? काम करने से आते हैं या सोचने से आते हैं? काम से। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारी सोच कहां पे जा रही है और हम लोग क्यों ट्रेस को बार 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 बढ़ाते जा रहे हैं। दूसरा चीज, अगर हम लोग पर्सनल लाइफ की इसकी बात करें, एक तो हो गया प्रोफेशनल टेंशन है, दूसरा है पर्सनल। तो पर्सनल टेंशन भी क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं और हम लोग हमेशा एक्सपेक्टेशन दूसरों की तरफ से देख रहे हैं। हम लोग ये नहीं सोच रहे कि सामने वाला मुझे क्या एक्सपेक्ट करेगा। हम लोग क्या सोच रहे हैं? सामने वाले से हमारे कुछ एक्सपेक्टेशन है। और जब आप दूसरों के बारे में सोचते हो कि दूसरा जाकर मुझे, मेरे लिए कुछ करेगा, मेरे माँ बाप जाकर मेरे लिए कुछ करेंगे, मेरे फैमिली में कोई मेंबर्स होगा वो जाकर कुछ करेगा, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। हमें सोचना क्या है? हम लोग अपने आप को बदल सकते हैं। हम लोग किसने किसको बदलने के लिए कर रहे हैं? दुनिया को बदलने के पीछे लग रहे हैं। हम लोग ब्लेम किसके लिए दे रहे हैं? दुनिया को दे रहे हैं। हम लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि प्रॉब्लम्स हमारे अंदर है। और इसीलिए अगर जब भी ट्रेस को हम लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं तो तब तक हमें क्या करना है? उसको एनर्जी में, मैं ट्रेस के पीछे भागने की बात नहीं कर रहा हूं, या मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अगर आपको टेंशन है तो आप उसको छोड़ दो, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। वो बोलता है ना, कोई भी बार बार बोलता है टेंशन हो गई, टेंशन नहीं गई, तो फिर क्या हो जाता है? टेंशन बढ़ता है, सिंपैथी देता है, क्या हो जाता है उससे? टेंशन बढ़ता है। कोई जाकर बोलता है ना, अरे ऐसा हुआ वैसा हुआ, टेंशन मतलब अपने आपके अंदर रहेगा और वो एनर्जी के रूप में आप बाहर। क्योंकि बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है वो लाइफ में सक्सेसफुल क्यों हुए हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं पे उनके लाइफ में एक ऐसा मोड आया है कि जहां जिससे उसकी पूरी दुनिया बदल जानी, क्योंकि उसने उस चीज को पूरी पॉजिटिवली लिया है। और ऐसे बहुत सारे लोग भी हम लोगों ने देखे है कि टेंशन की वजह से वो ऊपर से नीचे आ गए, क्योंकि उन्होंने क्या किया, अपने ट्रेस को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया, उसको कन्वर्ट नहीं किया किसमें? एनर्जी में। और जब तक हमारे अंदर एनर्जी नहीं रहेगी तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा क्या, ये इससे ट्रेस आपका कम नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब क्या है कि आप लोगों ने अपने पॉजिटिव एनर्जी को टू रियलाइज समवन दैट हाउ आई एम द राइट पर्सन फॉर, ये रियलाइजेशन होना चाहिए, तब जाकर लगेगा। अपने आप को बड़ा बनाना पड़ेगा, अपने आप को। हमारे टेंशन क्या है? गरीबी एक हमारे टेंशन है जो हम लोग मानते हैं, लेकिन हम लोगों ने ये भी देखा है कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए होंगे वो जल्दी से गरीब से आए। क्या वो उसके लिए क्या थी? अपॉर्चुनिटीज थी। वो क्या थी? अपॉर्चुनिटीज थी। अगर आपके लाइफ में कोई भी खो जाता है तो उसको हम लोग देखते हैं, फिर भी लोग आगे जाकर बढ़ते हैं। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है।
ठीक है, इसके बारे में पूछ लो कोई सवाल, वो भी टेंशन टेंशन पे तो हजारों सवाल होंगे कि हर किसी को ये सवाल ही टेंशन है। बहुत बार टेस्ट के बारे में बात करने से भी टेस्ट बढ़ता है, बार बार वही चीज सोचते हैं। हम लोगों को ये समझना है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट पे भरोसे पे जीने लगोगे तो आप जी नहीं पाओगे, आपको अपने भरोसे पे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसलिए टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी है, जब क्या है, देखिए हम लोग क्या नहीं समझ पा रहे, हर किसी के लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है। हम लोग यहाँ पे आप आकर बैठे हो, ठीक है, क्या आपके लिए एक कोर्स एक अपॉर्चुनिटी के रूप में नहीं है? अभी ये तब पता चलेगा कि किसने इस अपॉर्चुनिटीज का फायदा लिया, ठीक है। अभी जरूरी ये भी नहीं है कि मुझे जो जॉब दिया है वो किसी ने दिया होगा, फिर भी बहुत बार हम लोग देखते हैं कि उसको जॉब मिलने के बावजूद भी वो नहीं करता है, ठीक है, मतलब उन्होंने क्या किया, अपॉर्चुनिटीज को कन्वर्ट नहीं किया, अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट नहीं किया, और कोई दूसरा पर्सन रहा होगा उसको जॉब न मिलने के बावजूद भी वो खुद ढूंढ भी रहा है और अच्छे से कर रहा है, तो उसने भी वो भी जॉब पे लगा है, क्यों लगा है, चाहे वो खुद लगा होगा लेकिन उसने क्या किया, इस अपॉर्चुनिटीज का उसने फायदा लिया। तो हमें ये समझना है कि हर किसी के लाइफ में आज तक अपॉर्चुनिटीज आई होंगी और आगे भी आते रहेगी, लेकिन अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैप नहीं कर पाओगे, आपको यह समझना है कि मेरे लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी सही है, और वो अगर नहीं समझ सकते हम लोग तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे, और जब तक फिर दूसरे के ऊपर डिपेंड रहोगे तो फिर से ट्रेस ही बढ़ने वाला है, दूसरा कुछ नहीं बनने वाला। और कुछ भी पूछे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ट्रेस तो ऐसी चीज है ना कि आधे से ज्यादा ट्रेस तो बताने वाली चीज नहीं है इसलिए भी टेस्ट बढ़ते हैं। देखिए जब भी हमारे लाइफ में हर किसी के लाइफ में प्रेशर बढ़ता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो हम लोग उसके बारे में भयभीत नहीं पड़ेंगे, चाहे कितना भी बड़ा इंसान हो वो डिप्रेशन में जाता ही है, डिप्रेशन में जाता ही है। लेकिन जब भी आप डिप्रेशन में जाते हो तो आपको किसी भी एक चीज पे फोकस करना है, एक चीज पे फोकस करना है कि कोई भी जो भी लगता होगा, अगर मुझे कोई गाना अच्छा लग रहा है तो मैं बार बार उसी को सुन रहा हूं, ठीक है, टू कॉन्सेंट्रेट कोई भी एक चीज के बारे में, मुझे मैं उस पर ही सोचता रहूंगा ड्रेस के बारे में तो नहीं होगा। दूसरा चीज हम लोगों को यह भी समझना है कि मैं उसी को लेकर बैठ नहीं सकता। देखो चाहे आप दुख एक दिन मनाओ, दो दिन मनाओ, दस दिन मनाओ, ठीक है, या जिंदगी भर भी मनाओ, क्या वो जो भी चीज हुई है वह छूट जाएगी? क्या वो बदल सकते हो आप? नहीं बदल सकते, क्योंकि जिस वजह से मुझे टेस्ट हुआ है उस चीज को मैं नहीं बदल सकता हूं, ये आपके ऊपर है कि दुख कितने दिन बनाना है। और जो सक्सेसफुल पर्सन रहते हैं वो क्या करते हैं, अगर कुछ हुआ भी है तो वो डिप्रेशन में जाएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे लेकिन दूसरे दिन फिर से खड़े होकर अपना काम शुरू करते हैं। इसका ही नाम है जिंदगी, लाइफ इसे ही बोलते हैं। अगर उसी चीज को पकड़ के रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। मैंने तो पहले ही बता दिया कि ये टॉपिक के बोलना मतलब दोनों तरफ से टेंशन नहीं है। डोंट एक्सपेक्ट, अगर नहीं हुई है तो भी टेंशन है, होने की बात भी है।
देखिए हम अपने सिचुएशन के लिए खुद जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। अगर इसलिए क्योंकि हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारे बढ़ते उम्र के साथ हम लोगों ने किस वक्त क्या चीजें कर ली थी। हम लोग बहुत बार यही नहीं समझ सकते कि मेरा एज क्या चल रहा है और मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए हर किसी को उतनी ही जिंदगी मिल रही है, ठीक है, लाइफ उतनी ही मिल रही है, फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब जो चीजें करनी चाहिए थी वो नहीं कर पा रहे, इस कारण स्ट्रेस बढ़ते जा रहे। तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें जो भी करना है अभी इस स्टेज पे आने के बावजूद भी, फिर अगर आपको बोला है कि आगे की प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो रही है, क्योंकि आप कुछ कर नहीं रहे हो। तो शादी भी तभी होगी ना जब कुछ करोगे, नहीं तो क्या ऐसे ही देर ही होगी। तो हमें कुछ करना है, तो इसका मतलब हमको ये अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है और आगे बढ़ना है। सभी सवाल आप मत पूछो, बाकी लोग भी है, नहीं तो आपका टेंशन और बढ़ेगा। आप पूछो ये भी टेंशन है। देखिए एक चीज हमेशा समझिए, हम लोग जो भी चीज को पाना चाहते हैं ना वो भी एक टेंशन है। अगर आप लोग जॉब को पाना चाहते हैं तो एक समझ लीजिए, जिस दिन आपको जॉब लगेगा ना उसके दूसरे दिन आपका टेंशन बढ़ेगा, ठीक है। डिसटिस्फेक्शन तो वो तो चीज हो गई, लेकिन क्या होता है उस चीजों को आपकी लाइफ दूसरे दिन से बदल जाएगी। मतलब पहले दिन थे हम लोग स्टूडेंट में थे तो हम लोग घूम फिर सकते, जो काम कर रहे हैं उनको पूछे, मॉर्निंग में उठना ही पड़ रहा है, काम पे जाना ही पड़ रहा है, बराबर है ना। तो ड्रेस है क्योंकि आपको कोई पे कर रहा है तो आपको काम करना ही है, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। स्टूडेंट कैटेगरी में वो चीज नहीं है। अगर आपको नहीं लगा कि आज एम्प्लॉयमेंट जॉब एम्प्लॉयमेंट या नहीं अनएम्प्लॉयमेंट ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम वो है मेंटल अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ गया है और रियल एम्प्लॉयमेंट कम। मतलब जॉब तो है लेकिन हम लोग वो करना नहीं चाहते, कि सबको चाहिए अपने ड्रीम जॉब जो एक्चुअल नहीं। और यही प्रॉब्लम है कि बहुत बार है कि एक चीज आप समझ लीजिए कि चाहे आप शुरुआत अपने 18 साल से काम के लिए करोगे, 25 साल से करोगे, 30 साल से करोगे, चाहे आप शुरुआत 12वीं पास करके कर रहे हो, ग्रेजुएशन करके कर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन करके कर रहे हो, आपको जो भी शुरुआत रहेगी वो आपकी कम से कम आमदनी में ही रहेगी। वो आपको डिपेंडेंट कब करना है, इसलिए ये बहुत समझना जरूरी है। और जब आप ये सोचोगे कि मुझे अगर 5000 काम कर रहे हैं, 10 साल हो गए, कब कितने इससे शुरू किया था, 1000 से शुरू किया था, ठीक है, अभी कितना है, 10000, अभी 10000, वाह, ठीक है। तो इसलिए डाली बनती। तो अब क्या होता है।